आप सभी ने जो मेरे लिए प्रार्थनाएं की, मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया, उसके लिए मैं समस्त बल्लभगढ़ के वासियों का अपने हृदय से नमन करता हूँ। और साथ ही ये वचन भी देता हूँ कि अपने अंतिम श्वास तक बल्लभगढ़ के प्रति अपने हर एक कर्तव्य का निर्वाह। मैं क्या करूँगा इसके ऊपर बैठ के? अरे आप बैठे तो सही, फिर हम आपको बताते हैं। छोटा सा उपहार, एक पार्ट पे आपको बैठा कर दूसरे पार्ट पे खरा सोना तोला जाएगा। जितनी भार के आप बात दोनों पार्ट सम हुए, उतना सोना आपकी संपत्ति हो जाएगी। ठीक है महोदय। महाराज जी देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये सोना होना नहीं चाहिए। क्या करूँगा मैं? चिकित्सक जी, हमारे राज्य में विशेष शत्रु का सम्मान नहीं किया जाता। आप मना करके हमारे राज्य की परंपराओं का अपमान तो मत कीजिए। मुझे क्षमा कीजिएगा कि जो भी मैंने किया, लेकिन मैं बस यही सारे ड्रामा चल रहे हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और अब ध्रुव को प्राइज दिया जा रहा है वल्लभगढ़ की तरफ से। और ध्रुव ने प्राइज में ये मांगा है कि महारानी जो कि इतने सालों से बंदी बनाकर रखी गई हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन महाराज उसके लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो राजदंड भुगत रही हैं और किसी को ये भी नहीं पता कि वो राजदंड क्यों भुगत रही हैं। तो जब तक ये ड्रामा नहीं खुलेगा तब तक महारानी की आज़ादी मुश्किल है। मतलब कि वही कंफ्यूजन थी कि लोगों को लग रहा था कि जो ध्रुव है वो तारा को मांगेगा शायद। हाँ, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था, महावीर भी एक्सपेक्ट कर रहा था, तारा भी एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ध्रुव ने महारानी की आज़ादी मांग ली। हाँ, एक इतना स्पेशल सा शो है ना जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ खेला जा सकता है। दो दुनिया हमने ऑलरेडी देख ली है, अब इस दुनिया में ही रहना है या वापस जाना है ये बहुत बड़ा डिबेट है स्टोरी वाइज भी। तो हो सकता है कि इसी दुनिया में सब कुछ हो या हो सकता है एक और नई दुनिया बनाई जाए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये स्टोरी ही टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर है और लव स्टोरी है। और एक महावीर के साथ क्या कुछ बदलाव होगा वो मैं खुद वेट कर रहा हूँ। मेरी स्टोरी नरेशन अभी बची हुई है, मुझे पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, तो मुझे पता चलेगा वैसे ही मैं आपको बताता हूँ। एज ऑफ नाउ मुझे भी नहीं पता महावीर के साथ क्या होने वाला है। We are there to like Shara love you. उनके लिए प्यारा सा मैसेज, because वो देखना चाहते हैं भरपूर आपको, beat any platform anyway. यस, मैं तो हमेशा आजकल एक ही मैसेज देता हूँ पर वो बहुत हो गया। पर साथ ही साथ ये भी कि अब समर वेकेशंस चल रहे हैं, समर वेकेशन ओवर होने वाले हैं, सब लोगों ने बहुत मस्ती मजाक किया होगा, बच्चों ने बहुत खेला होगा, वापस टाइम है स्कूल्स कॉलेजेस खुलने का। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई में वापस लग जाएँ और आगे बढ़ें और खूब कामयाब हों आप सब, और बहुत सारा प्यार आप सभी लोग।